राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रयागराज प्रांत की पदयात्रा 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। यह जानकारी अजय राय ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में दी। पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा और राष्ट्रीयता की प्रबल भावना बढ़ाने के लिए समस्त भारतवासियों को धर्म, पंथ, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, समुदाय एवं जाति वर्ग की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर संगठित होने के उद्देश्य को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विशाल कार्यक्रम हर दृष्टि से राष्ट्रीय हित में है। यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक व साहसिक महाजनसंपर्क अभियान है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों का जनता से सीधे संपर्क, संवाद और देश को जानने, समझने और समझाने का प्रभावशाली माध्यम भी है। भारत को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और भावनात्मक रूप से एकजुट करने का यह महाअभियान है। राहुल गांधी की यात्रा भारत को विकसित महाशक्ति बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। जो राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए चली है भारत जोड़ो यात्रा, उनके सपोर्ट पे प्रियंका जी के आदेश पर यात्रा प्रादेशिक यात्रा इसका नाम दिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा प्रारंभ हो रही है। कहीं 9 तारीख से हो रही है, कहीं 10 तारीख से, मेरे यहाँ 11 तारीख से प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद से इसको हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ पर संगम में बाकायदे चलकर स्नान होगा, आशीर्वाद लेंगे हम लोग। उसके बाद मनोकामेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर, वहाँ रुद्राभिषेक करने के पश्चात वो यात्रा प्रयागराज के विभिन्न मार्गों से, जो धार्मिक और ऐतिहासिक मार्ग हैं, क्योंकि वो बलिदानियों की नगरी है, क्रांतिकारियों की नगरी है प्रयागराज, वहाँ पर चल के उनको प्रणाम करेंगे। उस दिन वो यात्रा उसी रास्ते से गुजरेगी और रात्रि विश्राम भी हम लोग प्रयागराज में करेंगे। और विभिन्न मार्गों से पूरे 12 जिले में आखिरी दिन 22 तारीख को काशी में उस यात्रा का समापन हम करेंगे। कम से कम देखिए उसे प्रदेशिक यात्री 200 हैं, जो परमानेंट मेरे साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिविल सोसाइटी और आम आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे। और उसमें यात्रा 200 की वो संख्या रहेगी और प्लस हर जिले में हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिनका पूरा सहयोग और समर्थन होगा। और ये यात्रा का मकसद है कि लोगों के अंदर जो तनाव जो आज पैदा है, जो बेरोजगारी, भुखमरी, जो चीज़ें चल रही हैं, उस सारी चीज़ों को, महंगाई, उन सब चीज़ों को आम जनता तक पहुँचाया जाए, इस यात्रा का मकसद।